बचपन उगारी और बचपन डांस कर रही हूँ मैं। भजन गाऊं तो अपनी भाषा में गाऊं। पर तेरे भीतर मत झांकी, ढकी ओड़ो भर में उगड़ जासी। अटा अपनी बेन बेटी एक बड़ाऊ गुण टुकाड़ू और कनू। राजस्थान की संस्कृति तो दुनिया में चारे की है। मारो एक शौक है कि मैं राजस्थानी माइट भाषा नहीं। अगर आप बीन बनूला घोड़ी चढ़ूला, बीन बनूला घोड़ी चढ़ूला कद निरकूला सासरियो। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको, राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ डीडवाना के अंदर। डीडवाना के अंदर जो जेठा राम जी ही बाका घर में पहुंची हूँ, और डीडवाना का मैं रहने वाला ही, और फिलहाल मैं इटली के अंदर रह रही हूँ। और इटली के अंदर रह के भी जितना आन टाइम मिला है बतो, अपनी माइड भाषा ने यह टाइम दी है, और आपकी सिंगिंग है राजस्थान में नहीं बल्कि इटली में रही। कभी कड़े जाही, कभी पेरिस जाही, कभी कड़े जाही, इंटरनेशनल लेवल मतलब इंडिया के बाहर तक भी आपकी आवाज है, भाषा है। माने लोगों ने सुनान कर लिए जो भजन गावी ही, और जो आपने अभी देखा तो होली आने वाली है तो होली पर काफी धमाल भी गावी ही। बहुत ही बढ़िया सिंगर ही, तो अपनी एक तरीका देसी मुलाकात है बा आज होगी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आज आप थारी जर्नी के बारे में जान ले, बचपन थारो डीडवाना में बीते हुए जी। मैं डीडवाना को हूँ, और बचपन मैंने संगीत को और नाचबा को शौक है। अच्छा, था डांस को भी शौक। डांस को भी शौक है। होली राजस्थान की जिकी चारंडी की दूसरे दिन जी होली हुए मेलो हुए, वो राजस्थान को डीडवाना मान एक ऐतिहासिक माड़ी समाज को मेलो हुए। बिक माने मेन ऑफ द मेरिया करूँ, अच्छी वेशभूषा, अच्छी डांसर, अबाउट कम 300 या 500 आदमी सांग मरे हुए, और बारह बास की जी एक गेर निकले माड़ी समाज की, और अच्छा नाचता कूदता, और स्पेशल मेलो जता भी बारह रहे कलाकार भी सब डीडवाना भी मेला में पहुंचे। री बात बचपन की, तो मैं पढ़ाई करने के बाद मैं दुबई गयो। दुबई के बाद मैं 10 साल में सऊदी अरब रियो। सऊदी अरब आज अच्छी मारे एक अच्छा एक आदमी संपर्क हुआ, बोले यार थे अच्छा एक कलाकार हो और बारे क्यों ना चलो यूरोप थान दिखावा। तो यूरोप में गातो बजा तो मारा ही बलबूता पर मैं गयो, कोई एक टीम बनार, और पेरिस गया, पेरिस हूँ जर्मन, जर्मन हूँ इटली, और आज इटली मैंने 21 साल हो गया। फेमिलियट है, डीडवाना भी है, और बट मैं काम कर रही हूँ। बट पहली मारी एक शॉप ही, शॉप ना हाल फिलहाल वर्तमान में कोरोना काल के मायने बंद कर रखी हूँ। एक आयरन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है लोहा की, बिग मायने में काम करा, और कई भाई राजस्थानी भी में काम करे, और एक अच्छो माँ को एक एंजॉय हुआ। और अभी वर्तमान के मायने एक मिसालासर बालाजी मंदिर बट इटली में बनायो, तो वो एक प्लेटफॉर्म है। शनिवार इतवार का मैं भजन गाँव लोग एंजॉय करा और अच्छे प्रोग्राम दिया। इटली के अंदर है कि भी थे अपने जो मात पूजनीय माता है जो कि अपनी कुल देवी है, बाको मंदिर बना रखी है, सालासर बालाजी को मंदिर बना रखी है। इटली के मायने कम 8 मंदिर है। एक वैष्णो माता को मंदिर है इटली में पारमा के नजदीक नोवाले गांव में। एक अर्जनियानोंग मायने जगदम्बा मातेश्री को मंदिर, सनातन धर्म सभा बिको मैं सदस्य हूँ, मेम्बर हूँ, बट हमारा भजन और के रिकॉर्ड हुआ 8 जगह भी ग्रुप और जावे, जहाँ पंजाबी है, गुजराती है, राजस्थानी में बहुत लोग भया, और अच्छे माँ को जिया प्रोग्राम में इंजॉय करा जिया भजना का मामला। ये इटली के अंदर है कि भी अपनी माइड भाषा है, बिन बचा रखी अपनी बोली ही बोली ही, तो राजस्थानी लोग बड़े कितना रही है। राजस्थान का आदमी मारे हिसाब कोई 7,000 आदमी होगा, और मैं जगह एरिया में रहा हूँ मायने 3-4 हजार आदमी है, तो अच्छे इंजॉय हुए। और राजस्थानी भाषा मत आ, क्योंकि मैं मारा जता भी प्रोग्राम में राजस्थान फोक सिंगर हूँ, अगर मारवाड़ी में राजस्थानी माने में गाणू गाऊँ राजस्थानी या राजस्थानी फोक भजन गाऊँ तो अपनी भाषा में गाऊँ, बाकी लोग पंजाबी गावे, गुजराती गावे, हिंदी भी गावे। मारो एक शौक है कि मैं राजस्थानी माइड भाषा नहीं, अगर आपको अपनी भाषा है और अपनू कल्चर है तो माइड भाषा ना अपन आगे लेट चालू चीज है मारो तो वही है, और मैं ई माइड भाषा में गाऊँ, बाकी हिंदी भी गाऊँ मैं, बट राजस्थानी हुए, बट मन मजो भी राजस्थानी भाषा में आवे, राजस्थानी डांस राजस्थानी भाषा में गाऊँ, संगीत जो भी है ना मैं राजस्थानी भाषा में करा। आप सिर्फ चीज लेनो देनो एक अपनी दिनचर्या इतना प्यार प्रेमो आप चला रहे हाँ, रह रहे हाँ बहुत अच्छी तरीके, बटे भी है कोई चलेगी बटे है जगह भाई का, अगर मकान है, मकान कई भाई पर्सनल मकान है, और मकान में अगर जगह तो सब्जी भाव है, मारा कई मित्र है अच्छा बिजनेसमैन है, बंक मकान भी है जगह भी है, तो जवान में लोग सब्जी लिया बाहर की है, अपने घर के हिसाब में भी सब्जी बाहर की है, और बाकी सब्जियां सब मिले बटे। राजस्थानी अगर कोई की इच्छा होगी तो अपने अठू में लोग जावा सूखी सब्जी ले जावा, केर सांगरी और बाजरा की रोटी और वो बनाओ और खाओ। मतलब थे राजस्थान में मिस तो करो ही हो,
मिस तो करे मातृभाषा मिस कौन कौन करे मैं अठावा से मैं तक लोग भी हाँ लोग भी क्या मिस कौन करा करा भी अठा की जगह आपनो हिसाबदारो है आपा में जो सभ्य है आपनो आओ आदर है दुनिया के मायने कोनी अठा अपनी बहन बेटी एक बड़ा गुण टुकाड़ो और कनु राजस्थान की संस्कृति तो दुनिया में चारे की है। मैं लोग पूछे तो मैं लोग क्या ए माँ की एक रेस्पेक्ट करे तो राजस्थान ही और री बात है भाषा के अलावा जी मैं सिंगिंग करूं सॉन्ग करूं तो बठे भी मैं आपने बताओ पहले कि भाई मैं राजस्थानी में गाऊं और अठे भी राजस्थानी में मायने कविता भी गाऊं जहाँ एक कविता कांदान जी कवि आ मेरे गुरु आजिया वह गुरु की जी हाँ एक कविता सुनाओ आपने पर तेरे भीतर मत झांकी ढकी ओढ़ो भर में उगड़ जासी आ राजस्थानी जती भी कविता और भाषा ने कांदान जी कल्पित हुआ आपने बाकी मैं बचपन हूँ कालूराम जी प्रजापत का जता भी लोकगीत और लोक भजन में गाया करूँ कालूराम जी प्रजापत एक अच्छा सिंगर है और बे मैं मारा गुरु है रिस्पेक्ट करूँ बे एक शुरू में एक गाना गायो ब्याह बिंदनी बिल्कुल मैं तो और भी गाना न मैं हूबू स्कूल में गातो और मन बहुत इनाम मिलतो और आज भी गाना न गाऊ मैं ब्याह बिंदनी बिल्कुल मैं तो कद परनासी भाबलियो सगला साथी परण्या अर अर रहियो कंवारो टाबरियो सगला साथी परण्या में तो रहियो कंवारो टाबरियो जो सितारा पतड़ा को लो दिन देखो परनी जनो बाबलिया ने तू समझा दे घर ढूंढे समदन जीरो बीन बनूला घोड़ी चढ़ूला बीन बनूला घोड़ी चढ़ूला कद निरकूला सासरियो सगड़ा साथी परण्या अर अर रहियो कंवारो टाबरियो सगड़ा साथी परण्या अर अर रहियो कंवारो टाबरियो कोई भी मालक नु संगीत गानो सुनो या भजन सुनो तुम मारवाड़ी में किसो भजन आपकी इच्छा है जो बताओ आप मैं आपने सुनो जो थाने पसंद है वो सुना दियो मन चम 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 के चुनड़ी महारानी वो होकर आवन सोला सिंगार अम्बे रानी हो कई देश विदेश में थे घूमे हो थारे या की जिज्ञासा से उठी भाई थे एक बिजनेसमैन भी हो साथ साथ में जॉब भी कर रहे हो तो या थारे कड़े मन में एक ही भाई मैं भजन गाऊं यह ओ जनून मारू बचपन हुयो मैं जब छोटो ना स्कूल में पढ़तो उस समय ही बचपन उगा रही हूँ और बचपन डांस कर रही हूँ मैं डांस को भी अच्छे शौक है मैंने और बचपन जो राजस्थानी पोशाक धोती साफा और गुजराती ड्रेस और वो जनून मारू बचपन हुई है और आज तक मैं गातो बजातो आ रही हूँ और गातो बजातो ही मैं ठेठ सऊदी अरब में पूरा एशिया देख लू एशिया में पूरा यूरोप वो मारो एक जनून है और हर जगह मैं जाऊँ प्रोग्राम है मंठा पड़ जाए छोटो सो का एक राजस्थानी प्रोग्राम है अब रात मारो जोधपुर प्रोग्राम हो जोधपुर गियो मैं 5 तारीख का प्रोग्राम नागौर माली समाज को बहुत बड़ो आपने लक्ष्मीदास जी संत या अमरपुरा का मायने बट मारो प्रोग्राम हो बट मन सम्मानित करियो और मन बहुत अच्छो लागो और सब ज्यादा मैं धन्यवाद देने चाहूँ आप लोगों ने जलको राजस्थान ने तो आप लोग दूर पधारिया और आप मन टाइम दियो और मैं काफी सारा थारा वीडियो यहाँ का भी देखा हूँ कि भाई थे भजन गाओ भजन में इतना लीन हो जाओ कि डांस करे लग जाओ एकदम बिल्कुल लीन हो जाओ अगर राजस्थानी बट बैठे है आपने मार डाला तो फिर बट राजस्थानी चाली अगर बट पंजाबी और गुजराती बैठे तो फिर मैं हिंदी में भजन बोलूं तो राजस्थानी अगर आप धमाल के हो तो मैं धमाल आपने एक कड़ी सुनाऊं जी हम होली रोती वार आयो काई काई जी मन करियो सा आंतन रांदो लापसी पर बात्या हलवो रे ओ गेरा जी मिलो ओ भाई भाई गेरा जी मिलो मन एक बात बहुत ही बढ़िया लगी कि थे इटली के अंदर भी रह के आपने जो बोली है अपने बचपन में आपा सुनता है माँ बाप हमने बोलते हैं जो आपा जमीन में जुड़े रहा बोली बहुत बोलना जरूरी है हाँ। एक बार हम थे के बोलना चाहो युवा साथी नहीं राजस्थान मन तो सब मारा जता भी युवा साथी और ये प्रोग्राम में जता भी देखे जका ने मारो एक विशेष तौर नम्र निवेदन है दिलों का अपनी जो मायड भाषा है अगर ये मायड भाषा ने अपा अगर आगे ले नहीं बढ़ा तो कौन बढ़ी और आज देखो हिंदुस्तान में हर लोग पंजाब में जाओ पंजाबी बोले गुजरात में जाओ भी गुजराती बोले हर भाषा ने जी मान्यता मिल रही है अपा ने मत एक अपा रिक्वेस्ट करा का अशोक जी अपना CM है राजस्थान का बने मायड भाषा ने अपा लिख कर दिया और आगे भी लिख कर दी थी अब मैं निवेदन ई चैनल के माध्यम श्रीमान यशस्वी श्री नरेंद्र जी मोदी आना भी मैं एक रिक्वेस्ट करा एक हा करा कि अपनी मायड भाषा इन थे मान्यता देव मैं देश में जाऊँ हर जगह राजस्थानी है
और राजस्थानी भाषा है कि आज गुजरात जाओ गुजरात माइट भाषा पंजाबी भाई आप आपकी भाषा सब मैंने देर सगड़ा मान्यता मिल रही तो आप भी चाहवा अपनी भाषा ने एक मान्यता होनी चाहिए। परिवार को कितना सपोर्ट है? बिगर सपोर्ट कोई काम को नहीं आग्रह, कोई भी काम के वास्ते सपोर्ट चीज है और परिवार वाले तो पूरा सपोर्टर बन सपोर्ट ही बोल है बे सपोर्ट करे कि बे आपको हिसाब आप इंजॉय करे बंक अगर सपोर्ट नहीं है तो आगे भी कौन बढ़तो और बंक को तो एक नाम हो परिवार को या गांव को या प्रांत को या देश को। मैं जठे भी जाऊँ ना तो पहली मैं राजस्थानी हूँ इंडियन के बाद मैं क्यों मैं राजस्थानी हूँ मारो एक पहचान है तो सपोर्ट तो ही मैं आज अठे डीढ़ोने भी हूँ आऊँ तो खटे भी श्याम का हर श्याम का प्रोग्राम है तो कोई भी आर के दे नहीं आस दो भजन तो होना चीज है और मैं जाऊँ खटे भी कोई दे तुझे अगर कीर्तन को प्रोग्राम है तो मैं रोज को काम है जो थे भजन गाओ एक शौक या तौर पर गाओ हो या अप... नहीं नहीं वो शौक ही है मारे कोई पीसो को नहीं है यूरोप का मायने बठे भी गाऊँ तो मैं कोई पीसो को नहीं हूँ और न अटे बचपन में शौक है मारो और न इनमें पैसो क्यों भगवान अगर आपने दी है तो सब कुछ है तो आप क्यों राम के नाम का पीछे ले लो एक शौक है मारो। अंकल जी आपने एक चीज बताओ क्योंकि हर लोग का यह जिज्ञासा रहा है कि भाई तो इटली के बारे में थोड़ी आपने दर्शकों ने मन भी थोड़ी जानकारी इटली की आबादी है जो 6 करोड़ है राजस्थान छोटो है राजस्थान की आबादी 8 करोड़ 8.5 करोड़ है तो इटली एक पर्यटक भी है एक वेनिस है जटे फिल्मा की शूटिंग व्याग्र है जब बहुत सी फिल्मा के एक्टर बहुत लोग आवे बैठे और पानी में वो टापू पूरा पानी के मायने बसे उड़े डोर टू डोर आप एक मकान दूसरे मकान जाओ तो पानी के जहाँ जहाज हो या ब्रिज हो जानो पड़े एक चीज बटे एक ऐतिहासिक एक इमारत है जो बहुत पुरानी है 500 साल पुरानी बा झुकड़ की है जमीन 1.5-2 फुट बा गिरे कोनी और 7-8 मंजिल है और बिना भी लोग बहुत देख पावे बा एक ऐतिहासिक है भी कलावा कृषि देश है इटली डेयरी को दूध को बहुत ज्यादा काम है बटे लेदर को चमड़ा को काम है और भी कलावा 8 जगह लोग जावे तो मेडिकल कॉलेज है बटे लोग स्टूडेंट आपने जयपुर जठू भी है ना स्टूडेंट अच्छा पढ़े लिखा बच्चा जगह है इंटरव्यू बट मेडिकल कॉलेज है बट जावे और बने 4 घंटा आपका काम करे और पूरी पढ़ाई करे और बैठे लाग भी लोग जॉब लाग जावे और री बात कई लोग जी अठू जावे गुम्बा जावे तो बे बठा के हिसाब अठू गुम्बा जावे आपके हिसाब हूँ और बटजार सेट हो जावे बठा का जब डॉक्यूमेंट बैठा की गवर्नमेंट खोले खुले जब बटे लोग रेजिया कागज बन जावे और भी लोग काम कर ले काम तो यूरोप में पूरे एक 100 काम है बाकी डॉक्यूमेंट अगर बठा बन जाए कि यूरोप में एक इटली की यान का एक बठा का डॉक्यूमेंट वर्क परमिट मिल जाए तो गरीब लोग मजदूरी कर ले है बड़े तो आपने जानी को नया आदमी हुई पूरा नयो देश है पूरी चीज ही नहीं हुई। ये है कुशु जी इटली की वादियां जी फेमस है पहाड़ ठंडो इलाको है और 7-7.5 महीना सर्दी सी रेव बटे तो बर्फ गिरे माइनस में जट मारी 100 पे बटे -18-20 और बर्फ रेवे और 3 महीना गर्मी रेवे इटली का पेरिस का फ्रांस का जर्मन का सब लोग इंडिया में आवे घूमे वेशभूषा थे देखो यो क्या का भी कपड़ा पहरे कहीं पहरे ये सब चीजा तो आजकल ई मीडिया के माध्यम मिले देख माने रेन खान पान बांको तो बठा को है जो को पास्ता इटली का और पिजो फेमस है ये सब इटली का ही है पिज्जा और पास्तो तो थे बैठे गया तो जल्दी से एडजस्ट होगा। हाँ मैं जल्दी से के एडजस्ट हो मैं तो क्यों तो मारा हिसाब हूँ गातो भी तो बाकी बट देख बटा जैसा वेश वैसा वेश जैसा देश वैसा वेश बैठा हिसाब बन देख ताई सर्दी ज्यादा देख दो कपड़ों ज्यादा पहन लो और कहीं बाकी फिर सेट हो जाए आदमी क्योंकि शरीर को जो को है ना रूटन वो हिसाब हो जाए सर्दी के टाइम सर्दी गर्मी के टाइम गर्मी बाकी कोई मान लोग तो फील ही कौन हुए अटे सर्दी जी है तो मान लोग सर्दी कौन लागे। आप आमदनी की बात करा तो आपने अड़े ठीक है या बड़े ठीक? एक आपने नॉलेज की बात बताऊं और अपना दर्शक नहीं मैं दुबई रियो सऊदी अरब रियो और अटे यूरोप देखियो पहले सऊदी अरब गियो तो मन लगे कि पाकिस्तानी फटान और राजस्थानी दुनिया का मान सब ज्यादा मजबूत है काम का मान यूरोप जब पुगे इटली देखियो ना तो बे आने लेर पीछे रखा दिया अत्ता मजबूत आदमी है बटे मारे सागर 90 साल की एक डोकरी काम करती खेत का मायने तो मैं लोग 2 घंटा में बैठता या पानी पीता वा डोकरी बुढ़ी माजी है बैठती को नहीं तो बे लोग अत्ता मजबूत है काम का मायने और बाको बहुत बढ़िया जी है ना काम में अत्ता मजबूत है और मेहनती आदमी है कृषि देश नहीं बोल बहुत ज्यादा मेहनती है वो एक नॉलेज की बात है कि मैं सऊदी अरब की ओर अट की ओर देखे ना सब ज्यादा मेहनती आदमी मन यूरोप का इटालियन लोग ला गया अच्छे लोग ला गया और काम करे अच्छी मेहनत करे भी लोग आमदनी की आप बात करी तो बटे लगभग कोई भी अपनी जॉब करन कर ले या कहीं भी छात्र है आपने रुपयाओं बाकी रुपयाओं करेंसी जो को यूरो चले आपने रुपया चले तो यूरो रुपयों ज्यादा है 1 रुपया का बार 85 का भाव है 85 का 1 यूरो का 85 रुपया बने तो डॉलर ऊपर है तो यूरो चले बटे यूरोप का मायने 9 कंट्री का मायने यूरो चले तो यूरो तो ऊंचो ही है मेहनत ज्यादा है बटे तो रुपये भी ज्यादा है तो इंडियन जो का भाई जो का जमेड़ है जगह के
ठीक है आपकी मजदूरी हो जाए। अगेन दोबारा धन्यवाद झलको राजस्थान और खुशबू जी को ते दिलूं देने चाहूं। और त्यों आकी वेशभूषा एक राजस्थानी है, मैं भी जहाँ आप राजस्थानी है, मैं भी राजस्थानी वेशभूषा अपनी रे है। और थको जो जत्तू भी प्रोग्राम है झलको राजस्थान को, चाहे झुंझुनू हो, सीकर हो, चाहे जोधपुर हो, आने में लोग ते दिलू देखा राजस्थानी बट बहुत बार बहुत आनंद आवे माँ लोगों ने। और यहाँ एक इंग्लिश में क्यों प्राउड फूल हुए जी मैंने यहाँ अति मायनो अंदर खुशी हुए। देखो एक राजस्थान का एक खुशबू जी आंको झलको जी बार थको एक पुष्कर मेला लो थे कति इंटरव्यू में देख रहे थी जितनी भी इंटरव्यू देगा मन बहुत मजा आवे यहाँ आनंद आवे कि देखो आपने राजस्थान है ये लोग कता आगे लेर बढ़ रहे हैं। तो एक ते दिलू थाने मारो दिलू आभार और बहुत बहुत धन्यवाद का थे राजस्थान ने इस संस्कृति ने इन लेर आगे छाड़ो। और मैं डीडवाना के अंदर आज तो दोबारा है, पहले भी डीडवाना के अंदर जो माता जी को मंदिर है बड़े भी मियां की पाड़ा माता मंदिर आप आया हो और बाटीबास से बैठे भी मंदिर काल की माता आयो माँ आपको वीडियो देखियो और मन बहुत अच्छा लगे। और बाकी माध्यम पटवारी जी है राजेंद्र जी मीडिया नागौर जिला का आपका है बे मारा अच्छा मित्र है बे मने क्यों के थे आऊ जुड़ो बे लोग आपका नंबर दिया और बाकी माध्यम में आप जुड़े हूँ तो बांको भी एक बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी को बे नागौर जिला का एक मीडिया का अच्छा प्रभारी है। जेठा राम जी आपने जो मुलाकात है बहुई मैं कठे ना कठे मैंने जो आपने बातचीत करने को एक ही महत्व है एक ही मोटिव हो कि है बच्चा ने हिंदी भी सिखाओ इंग्लिश भी सिखाओ और भी कोई भाषा है वह भी सिखाओ जो बच्चा को मन है तो। और साथ साथ में मारवाड़ी भाषा है मायड़ भाषा है जी की आप बचपन नु बोल रहे हाँ बस जरूर सिखाओ मैंने बहुत अच्छो लगे वहां मिलकी की भाई इटली रह की भी अपनी बोली हुई है जुड़ रही तो यो वीडियो शेयर जरूर कर रही हो और कमेंट में मैंने जरूर बतायो था यो वीडियो कहीं को लगे है और अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और पास में बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लियो ताकि मैं हर दिन थारे लिए बहुत प्यारा प्यारा वीडियो ही मैं लेके आती रहूं। जय हिंद जय राजस्थान।